नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर से रिलेटेड। और सिंगापुर से रिलेटेड भाई जॉब से रिलेटेड बात करेंगे। सुन के आपको हंसी आ जाएगी। आप मन में सोचोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मात्र 500 रुपये में वीज़ा सिंगापुर का। जी हाँ, एविडेंस के साथ मैं बताऊंगा पूरी स्टोरी क्या हुआ, 500 रुपये में वीज़ा कैसे मिला, वो भी 500 रुपये कैश नहीं दिए, मेडिकल करवाया सिर्फ 500 रुपये का सिंगापुर का। कई बार सुनने में आता है सिंगापुर का 8,000 रुपये मेडिकल का ले लिया, 5,000 ले लिया, 6,000 ले लिया, बंदे का 500 रुपये मेडिकल हो गया सिंगापुर का। डिटेल से बात करेंगे, वीज़ा भी मैं दिखाऊंगा, होटल से रिलेटेड जॉब आया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। भाई ने मुझे एक वीज़ा भेजा, बोला सर बताइए, मेडिकल रिपोर्ट भी साथ में उसने मुझे डाली है और वीज़ा के लगभग 8-10 प्रिंट हैं, वो पूरे भेजे मैंने देखे। हालांकि इतना समझ दिखा नहीं क्योंकि वो मोबाइल से इसके फ़ोटो खींच के डाली हुए तो इतना साफ नहीं आता, ईमेल पे डाला हुआ होता है स्कैन करके तो वो आराम से समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ये वीज़ा कैसे मिल गया 500 रुपये में। भाई ने बताया कि लगभग 15-20 दिन पहले मैं किसी ऑफिस में गया, वहाँ पे उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया और मेडिकल बंदा एजेंट ईमानदार था, मात्र 500 रुपये लिए, बोले भाई 500 रुपये में तेरा मेडिकल हो जाएगा। फिट की रिपोर्ट आ गई जो मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं ये पूरी मेडिकल की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट देने के बाद में डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट की कॉपी, 10th पास की मार्कशीट लगी थी, उसमें फ़ोटो वगैरह दिया और 20 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर उसका सिंगापुर का वीज़ा आ गया। जी हाँ, ई पास वीज़ा, यानी वर्क परमिट जिसको बोल सकते हैं 2 साल का। तो आप पहले तो वीज़ा देख लीजिए, ये वीज़ा है, फिर हम आगे और बात करेंगे। ये देख सकते हैं, वर्क परमिट अप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, यानी आपकी वर्क परमिट अप्रूव्ड हो चुका है। इंडियन पासपोर्ट नंबर वगैरह इसमें दिया गया है। देखिए होटल जॉब से रिलेटेड इसमें है, आप देख सकते हैं होटल जॉब आया है। हालांकि अलग अलग पेज इसमें डाले गए हैं, ये पेज तो निकल ही जाते हैं भाई, वो तो गवर्नमेंट सिस्टम होता है अलग अलग वेबसाइट के हिसाब से, ये कौन सी वेबसाइट बनाते हैं ये तो ये जाने भाई, ये तो इनको ही पता होगा। बाकी आप ये देख सकते हैं जो सिंगापुर जो गवर्नमेंट का जो अथोराइज होता है भाई कि क्या क्या उनकी शर्तें होती है वगैरह वगैरह सब इसमें लिखा है। ये देख सकते हैं एग्रीमेंट भी इसमें साथ में दे रखा है, सिग्नेचर ऑफ फॉरेन एम्प्लॉय का सिग्नेचर भी इसमें मांग रखा है, इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म भी इसमें दे रखा है। देख सकते हैं आप फॉरेन एम्प्लॉय पार्ट ए, यानी इसमें नाम, पासपोर्ट नंबर, डिटेल, एप्लीकेशन नंबर भी इसमें है, डेट ऑफ बर्थ भी है, नेशनलिटी इंडियन, एजुकेशन डिटेल 10th है, नेम ऑफ एम्प्लॉय रिस्पॉन्सर का भी इसमें नाम दे रखा है भाई, देख सकते हैं। होटल जॉब का जॉब है, फिक्स्ड मंथली सैलरी रहेगी 1200 सिंगापुर डॉलर। जी हाँ साथियों, बाकी इसमें डिक्लेरेशन यानी जाने वाले की तरफ से कुछ शर्तें हैं वो इसमें दे रखी हैं। आके फिर बात करते हैं तो यही है, बस नाम वगैरह इसमें डाला गया, होटल जॉब वगैरह, रिस्पॉन्सर का नाम भी इसमें डाला गया है। आप बहुत सारी शर्तें भी इसमें दे रखी हैं जो पूरी इंग्लिश में है, मुझे नहीं लगेगा कि आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत होगी। फिर इसमें एड्रेस वगैरह आ जाता है, आप देख सकते हैं, चेक योर एम्प्लॉयमेंट डिटेल बिफोर यू लीव, इसमें देखिए पूरी डिटेल दे रखी है भाई, देख सकते हैं आप। ये एक पेज बना हुआ है, उसकी फ़ोटो डाली गई है, अगर पूरा समझ में आया, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है पूरी बातें इसमें, शेड्यूल लिस्ट ऐसे इसमें शेड्यूल लिस्ट भी दे रखी है, शायद ये टिकट से रिलेटेड मुझे लग रहा है, टिकट नहीं है भाई, आप देख सकते हैं। तो ये वीज़ा देखिए, मात्र 500 रुपये, बंदे ने बताया कि मैंने एक चवनी भी नहीं दी है, पासपोर्ट मेरे पास पड़ा है और मुझे वीज़ा दे दिया गया है और अब मेरे से एजेंट ने पैसे मांगे हैं। तो क्या ये संभव है, मान सकते हैं, वीज़ा का पैसा लगता होगा, कुछ तो लगता होगा, फ्री में नहीं आया ना। ऐसा कौन सा एजेंट है माइका लाल जो बिना कुछ दिए हुए उसको वीज़ा निकाल के दे रहा है अपनी जेब से पैसा निकाल के। तो ये बातें सोचने लायक बन जाती हैं कि इन चीज़ों से जितना आपको बचना बच सकते हो ना बचना चाहिए। आपको फ्री के लालच में आपको ऑफर दिया जाता है, आपने देखा होगा शिकार शिकारी कैसे करते हैं, शिकारी को पकड़ने के लिए उसको चारा डालते हो किसी न किसी चीज़ का, जिससे शेर को पकड़ने के लिए बकरी को पहले बांधते थे ना जंगलों में, तो बकरी को देख के शेर आ जाता था, फिर उसको आराम से पकड़ लेते या उसका शिकार करते, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, सेम पोजीशन है, कोई फर्क नहीं है। आपको लुभाने के लिए ये सिस्टम ऐसे रचे जाते हैं। तो आपके पास भी अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो चेक करवा लें, चेक कर लें, सोच लें, समझ लें, आपको लगता है 100% कि यार नहीं सही है तो फिर आगे आप बढ़े, पैसा दे, पासपोर्ट दे, अपना पासपोर्ट भी दे दिया, वापस लेने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे आपको, इस बात का ध्यान रखिए। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, दूसरों को भी बताइए ताकि आप इस झंझट से बच सकें। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।